नमस्कार मित्रों, मैं आपका सुनील वशिष्ठ वैदिक एस्ट्रोलॉजर गुड़गांव से मंत्र मेडिटेशन यूट्यूब चैनल के स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपका इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं ज्योतिष की बहुत ही पॉपुलर, बहुत एक्यूरेट, बहुत प्रसाइज एक पद्धति से, यानी कि एक मेथड से। जैसे कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, इसी प्रकार से एक पद्धति है जिसका नाम है कृष्णामूर्ति पद्धति, यानी कि शॉर्ट नेम केपी मेथड, केपी एस्ट्रोलॉजी। मैं आपका इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ आज मैना भटनागर जी से। आप हैं मैना भटनागर जी, आप बहुत ही प्रसाइज और बहुत ही एक्यूरेट प्रैक्टाइजिंग केपी एस्ट्रोलॉजर हैं, और आपसे हम एक सीरीज भी आरंभ करने जा रहे हैं जो कि केपी एस्ट्रोलॉजी पर होगी। केपी एस्ट्रोलॉजी, मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, ये काफ़ी आसान मेथड है जिसको आप आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत ही लॉजिकल साइंस है। मित्रों, आप सभी के लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। हमारे मंत्र मेडिटेशन के चैनल के सभी दर्शकों के लिए, जो लोग केपी पद्धति को सीखना चाहते हैं, दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं, जो लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट मैना भटनागर जी से यहाँ पर आकर के उस कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स के विषय में हम किसी और अन्य वीडियो में बात करेंगे। आज हम आपका आरंभ करने जा रहे हैं केपी एस्ट्रोलॉजी। मैं मैना जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ वही कि केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैसे भिन्न है, और किस प्रकार से ये थोड़ा आसान ज़्यादा है और एक्यूरेसी का लेवल भी इसमें ज़्यादा है। धन्यवाद सर। केपी एस्ट्रोलॉजी देखा जाए तो वेदांग या वैदिक ज्योतिष का ही भाग है। इसकी शुरुआत श्री कृष्णमूर्ति जी ने की थी, और उन्होंने काफ़ी साल इस पर मेहनत करके ये देखा कि कई बार हमारी प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, और कोई भी फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो एक चार्ट पर जब लगता है तो बाकी 10 चार्ट पर भी लगना चाहिए। इस बेस पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो नक्षत्र हैं वो ग्रह से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और रिजल्ट यानी कि कोई भी किसी भी परिणाम पर पहुँचने के लिए हमें नक्षत्रों को भी देखना ज़रूरी है। कृष्णमूर्ति पद्धति आसान इसलिए है क्योंकि इसके अंदर पराशर की तरह इतने सारे चार्ट, घर, ग्रह का बल, उसका ऊंच नीच कुछ नहीं है। जिस तरह आप पराशर में 16 चार्ट्स होते हैं, उसके बाद मेन चार्ट के बाद उसके ग्रहों की स्थिति, उनका बलाबल, वो सब देखते हैं। इसमें सिर्फ दो चार्ट हैं जिसे राशि चार्ट कहते हैं और भाव चार्ट कहते हैं। आप दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मैना जी जो कहना चाह रहे हैं, मैं जितना समझ पाया हूँ इस बात को, दर्शकों मैं आपको बता रहा हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 16 वर्ग कुंडलियों का इस्तेमाल किया जाता है एक्यूरेसी के लिए, यानी कि आपकी जो लग्न कुंडली आप देखते हैं उसी के साथ 16 कुंडलियाँ और जुड़ी होती हैं, जो अलग अलग समस्या के लिए, अलग अलग बात को डायग्नोज करने के लिए, इवेंट्स को डायग्नोज करने के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाती हैं। मैना जी का कहना है कि इससे हमारा अध्ययन बढ़ जाता है, जिससे कई बार एस्ट्रोलॉजर का फोकस या कंसंट्रेशन कम पड़ जाता है, या सीखना भी उसको थोड़ा सा टफ होता है। 16 वर्ग कुंडलियों में काफ़ी प्रेडिक्शंस के अंदर भी दिक्कतें आ जाती, कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं होता। जैसे D10 चार्ट है, D10 चार्ट में दसम भाव को मेन माने, लगन को माने, या सप्तम को माने, या छठे को का उसका क्या होगा। तो हाँ, कुछ हैं चैलेंजेस फॉर बिगिनर्स के लिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी अपने आप में एक भरपूर साइंस है, पूरी साइंस है, पर उसमें काफ़ी समय लगता है उसको सीखने में, और काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, काफ़ी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ से इवेंट्स को फाइंड आउट करने में। मैना जी ने कहा कि इस केपी पद्धति में पहली बात तो केवल 2 ही चार्ट है, यहाँ पर हमारा काम आसान हो गया। दूसरी एक बात जो कि नक्षत्र ग्रह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारे जो बिगनर्स होते हैं या जो बेसिक नॉलेज रखने वाले, अक्सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र को इग्नोर कर देते हैं या उनकी स्टडी ढंग से नहीं कर पाते, जबकि नक्षत्र बहुत बड़ा ट्विस्ट पैदा करते हैं। क्योंकि मैं भी एक प्रैक्टिस
और प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं इस चीज़ को समझ पाता हूँ कि नक्षत्र किस तरह से आपके इवेंट्स को, आपके सिचुएशंस को किस तरह से घुमाने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो हम पहला घर लेते हैं जैसे मेष राशि कहते हैं। अब मान लेते हैं कि मेष, चूँकि मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, तो हम जब लग्न का अध्ययन कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि लग्नेश यानी कि मंगल कहाँ बैठे हैं। तो अगर वो लग्न में बैठे हैं तो ज़्यादातर हम यही सोचेंगे कि मंगल जो है मेष राशि के और लग्न के फल देंगे, लेकिन मेष राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र और हैं। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 27 नक्षत्र माने गए हैं, जो अश्विनी, भरणी, कृतिका, इनफैक्ट विवाह के लिए तो नक्षत्रों का मिलाना बहुत जरूरी है। दशाओं में नक्षत्रों, दशा ही सारी नक्षत्र से शुरू होती है। जी जी जी। तो हम फिर ये देखते हैं कि अश्विनी में बैठे हैं वो भरणी में बैठे हैं या कृतिका में बैठे हैं। जी। अगर वो अश्विनी में बैठे हैं तो फिर वो केतु से संबंध बना गए, तो वहाँ पे मंगल सिर्फ अपना रिजल्ट नहीं देंगे, वो ये भी देखेंगे कि केतु कहाँ बैठा है। मान लीजिए केतु पंचम में बैठा है, तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लग्नेश अपने लगन का यानी मेष राशि के अलावा केतु से भी संबंध बनाते हैं, तो वो पंचम भाव से भी संबंध बनाएंगे। मतलब यह है कि जो जातक है वो बुद्धि में बहुत तेज होगा, बच्चों से उसको काफ़ी प्यार होगा इस तरीके से। और अब मान लेते हैं कि वो अश्विनी में ना बैठ के भरणी में बैठ गए, तो अब भरणी जो है वो शुक्र जो दूसरे और सप्तम भाव का स्वामी हो गया, तो अब यहाँ पर लगन का संबंध देखा जाए तो दूसरे भाव से, दूसरे कि लगन जो है वो धन से संबंध रखता है। अब हम ये भी देखेंगे कि शुक्र कहाँ बैठा है। तो ये बहुत आसान और एक प्रिसाइज टूल है, ये एक तरीके से टूल है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो समुंदर है, इट्स लाइक कि अगर आपको कोई चीज़, छोटी सी चीज़ आपको ढूंढनी है तो कितना ढूंढेंगे, आप जिस तरह का टूल लेंगे उतनी ही छोटी चीज़ उठा सकते हैं। तो मैना जी, मैं ये समझूं अपने मंत्र मेडिटेशन यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों के लिए, क्या हम एक फिर पूरी सीरीज आरंभ करने जा रहे हैं जिसमें हम केपी एस्ट्रोलॉजी की काफ़ी बारीकियां और प्रेडिक्शन करने की टेक्निक्स को भी समझाएंगे। पर पर्सनलाइज्ड एस्ट्रोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है मित्रों। जो भी चैनल पर आपको बताया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, वो काफ़ी हद तक जनरलाइज होता है और हर चार्ट अलग है। हर चार्ट में इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं जो कई बार एक एस्ट्रोलॉजर के लिए जनरलाइज वे में उसको बता पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। यदि आप केपी पद्धति से प्रेडिक्शंस करवाना चाहते हैं तो भी मित्रों, यदि आप भी केपी पद्धति से अपने बारे में, अपने लाइफ के इवेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं और इस एक्यूरेट हाई प्रसाइज लेवल की टेक्निक से अपने बारे में कुछ समझना चाह रहे हैं, तो आप हमें लिख भेजिए या हमारे यहाँ दिए गए मोबाइल नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मैना जी से भी बात कर सकते हैं केपी के विषय के अंदर। मैना जी, मैं आपसे सर्वप्रथम तो आपका मैं धन्यवाद करूँगा कि एक तो आपने हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों के लिए इतना अच्छा मार्ग खोल दिया जिससे घर बैठे वो बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे केपी के बारे में। केपी पद्धति बहुत ऊंचे लोगों में, ऊंचे दर्जे के लोगों में तो काफ़ी फेमस है, पर आम जन साधारण तक अभी तक इस पद्धति ये पूरी तरह से पहुंच नहीं पाई है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे देश में, इवन मैं कहूँ 90% एस्ट्रोलॉजर वैदिक पद्धति का उपयोग करते हैं, तो कोई अति संयोक्ति नहीं होगी। पर चूंकि ये एक आसान टेक्निक है इसलिए हम आप सभी के लिए लेकर के आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आपने कोर्स आरंभ करने की भी इजाज़त दी है, जो कि आपने स्वीकार किया है कि आप इस कोर्स को करवाएंगे। जी सर, ये तो देखिए ज्ञान है और ज्ञान जितना हम बांटेंगे उतना ही अच्छा है। कृष्णमूर्ति पद्धति वाकई बहुत आसान है और मैंने काफ़ी साल पराशर पढ़ा है, सर से भी पढ़ा है और टीचर से भी पढ़ा है, और कृष्णमूर्ति पद्धति पर आके मैं रुक गई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बस दिस इज़ फाइनल। जी जी जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करना ना भूलें और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें आप लिख भेजें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी डिमांड को पूरा किया जाए। धन्यवाद।